Today's video is all about how to get multiple displays from your laptop or a PC. तो मल्टीपल डिस्प्ले लेने के लिए मेरे जहन में सबसे पहले जो चीज़ आई वो यही आई कि HDMI स्प्लिटर, एक जो कन्वर्टर होता है वो मैं लूँगा और अपने लैपटॉप के साथ लगा के दो डिस्प्ले उससे ले लूँगा। और हुआ भी ऐसा कि मैंने एक HDMI स्प्लिटर लिया जो एक को दो में कन्वर्ट करता था, लेकिन हुआ क्या कि जब स्प्लिटर मैंने लगाया तो जो दोनों मेरे एक्सटर्नल डिस्प्लेस थे उसमें एक ही स्क्रीन आ रही थी, लाइक वो एक स्प्लिट था और एक्सटेंड नहीं था। एक्सटेंड वो इस तरीके से हो रहा था कि जो लैपटॉप की स्क्रीन थी वो एक थी और जो बाकी दोनों डिस्प्लेस थे वो सेम एक्सटेंड कर रहा था। तो मेरे जहन में आया शायद ये टू वे स्प्लिटर है, इसको एक जो फोर वे स्प्लिटर होता है तो वो लूँ तो शायद उसको एज अ मल्टीपल डिस्प्ले ले, क्योंकि अगर ये दो डिस्प्ले ले रहा है तो ये उन दोनों को शायद एक ही ले रहा है। तो फिर मैंने एक फोर वे स्प्लिटर लिया, फिर वही हुआ कि फोर वे स्प्लिटर लगाने के बाद भी दोनों का डिस्प्ले सेम ही आ रहा था, एक्सटेंड नहीं हो रहा था, दोनों का अलग अलग डिस्प्ले नहीं आ रहा था। ये शायद पहली ऐसी चीज़ थी जो मैंने विदाउट इतनी रिसर्च किए ले ली थी, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा सोचा ही नहीं कि यार स्प्लिटर से ही काम हो जाएगा, क्योंकि एक HDMI को दो में स्प्लिट कर दें तो वो आके डबल डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मसला वही आ रहा था कि वो एक्सटेंड नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर ही लिया आखिरकार, तो अगर वो मैं पहले कर लेता तो इतना सारा टाइम और मेरे इतने पैसे बर्बाद ना होते। तो उस इंटरनेट की रिसर्च के बाद जो मैंने रिज़ल्ट निकाला उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। मल्टीपल डिस्प्ले करने के लिए हर बंदे का सिस्टम अलग है, क्योंकि वो आपको अपने सिस्टम के लिहाज से देखना है कि आपकी क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं और किस तरह की आप चीज़ें चाह रहे हैं। तो ये समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट कर दिया। हाउ टू सेटअप मल्टीपल डिस्प्लेस, इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपके लैपटॉप या पीसी में वीडियो आउटपुट पोर्ट्स कितनी हैं। अगर आपके पास एक HDMI है तो आपको एक USB टू HDMI कन्वर्टर बाय करना है और अपने दोनों एक्सटर्नल डिस्प्लेस HDMI में इनपुट करके अपने विंडोज़ में जो डिस्प्ले मोड है उसमें जाके एक्सटेंड करना है और आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपके पास एक HDMI और एक VGA वीडियो आउटपुट पोर्ट्स हैं आपके लैपटॉप में या पीसी में, तो आपके पास एक और ऑप्शन भी आ जाती है। वो ऑप्शन क्या है कि आपको किस तरह की क्वालिटी चाहिए। अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो आपको वही पहले वाला ही स्टेप रिपीट करना पड़ेगा कि एक USB टू HDMI कन्वर्टर लें, दोनों अपने एक्सटर्नल डिस्प्लेस को HDMI में लगाएं और विंडोज़ में जाके एक्सटेंड करें डिस्प्ले मोड को और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इतना ख़र्चा ना करें और आपका रेगुलर क्वालिटी पे भी काम चल जाएगा एक HDMI और एक VGA के साथ, तो आपने कुछ नहीं करना, अपने दोनों एक्सटर्नल डिस्प्लेस को एक को HDMI में लगा लें और एक को VGA में लगा लें और फिर वही डिस्प्ले मोड विंडोज़ में जाके एक्सटेंड करें और आपका काम हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन, अगर आपके पास वीडियो आउटपुट पोर्ट्स दो हैं, मतलब दो HDMIs हैं, तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हो गया ना काम, क्योंकि जो दोनों डिस्प्लेज हैं आप उसको सिंपल दोनों HDMIs में लगाएं और फिर जाके विंडोज़ में डिस्प्ले मोड में जाके उसको एक्सटेंड करें और आपका काम हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन टेक मल्टीपल आउटपुट्स फ्रॉम अ लैपटॉप और अ PC। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।